हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम ससिराज सिंह, वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। आज अपने 150 के सेक्टर्स का सबसे बड़ा पार्क कह सकते हैं भगत सिंह पार्क। ये नोएडा का ही सबसे बड़ा पार्क है। इवन ऐसा बड़ा पार्क नोएडा अथॉरिटी ने किसी भी सेक्टर्स में अभी तक प्लान नहीं किया है। तो इस 650 एकड़ का जो पैच है हमारा सेक्टर 150 का, उसमें 42 एकड़ का जो पैच है वो भगत सिंह पार्क के नाम से अथॉरिटी पार्क में कन्वर्ट किया हुआ है। अब इससे जो आसपास की प्रॉपर्टी हैं कि इस पार्क का बेनिफिट, वैसे तो सारे सेक्टर्स के लोग होगी, कॉमन पार्क है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अथॉरिटी नहीं दे रखी है किसी भी डेवलपर्स को। बट इसमें उन्होंने ये चीज़ आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो सराउंडिंग्स की प्रॉपर्टी हैं, किस किस प्रॉपर्टी के लिए बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस होगा आपको या अथॉरिटी का पार्क। तो एक आपका आता है पहला बिल्कुल जो लगा हुआ है वो एस का पार्कवे है। दूसरा कमर्शियल की बात करूँ तो भूटानी का सिटी सेंटर आ जाता है। एक आपका नेक्स्ट रेजिडेंशियल आपका अंतरिक्ष का है, इससे तो बिल्कुल ही पैरेलल की प्रॉपर्टी आती है, पैरेलल का ही पोर्शन आता है अथॉरिटी के पार्क का। तो जो अथॉरिटी का पार्क है वो ऑलरेडी बहुत ही हार्डली होगा 100 से 150 मीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आती है, चौथी प्रॉपर्टी आपकी आती है आपका गोदरेज का पाम रेटेड। नेक्स्ट वन सेठी की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसके बाद फिर महागुन की प्रॉपर्टी बिल्कुल वॉकिंग में है। इसके बाद अभी जो समृद्धि की जो ऑनगोइंग प्रॉपर्टी है समृद्धि लग्जरिया, वो वॉकिंग में है। अपकमिंग प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है समृद्धि दक्ष, वो भी आपके बिल्कुल वॉकिंग में है। और इसके बैक साइड फिर मैक्स अंतारा वगैरह की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो 7-8 प्रॉपर्टी के मैंने जो नेम काउंट किए हैं, इनसे जो पार्क बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में आ जाता है। लाइक 2 से 3 मिनट के अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आप ये अथॉरिटी पार्क को रीच आउट कर सकते हैं। अथॉरिटी पार्क डेवलपर अथॉरिटी ने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, अलग अलग थीम बेस पे उन्होंने इस अथॉरिटी पार्क को डिज़ाइन किया हुआ है। तो कुछ मैं आपको वीडियोस के जरिए दिखा देता हूँ कि अथॉरिटी पार्क का जो थीम है वो अथॉरिटी ने किस वे से डिज़ाइन किया है। और इवन मेंटेनेंस भी सबसे बड़ा पार्ट होता है, अथॉरिटी इस पार्क को बहुत ही अच्छे वे मेंटेन कर रही है। तो ये अपडेट्स है 150 की, जो पार्क अभी तक मैंने कवर नहीं किया था अपने ब्लॉग में। तो ये 150 का सबसे बड़ा पार्क भगत सिंह पार्क, जो इन नोएडा का सबसे बड़ा पार्क है। आई थिंक अब इन फ्यूचर में भी अभी इतना बड़ा पार्क अथॉरिटी किसी भी सेक्टर्स में नहीं देने वाली है, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं उनका जो उनकी जो डेवलपमेंट है इतने बड़े एरियाज़ में नहीं है जो 600 साढ़े 600 एकड़ के एरियाज़ को कवर करती हो।